नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नाजिम चौधरी, शाह मीडिया से। कोरोना काल में अगर आपका ट्रेन में यात्रा करने का प्लान है तो कुछ बातें गांठ बांध लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉकडाउन के चलते फंसे लोग ट्रेनों के बंद होने के कारण सफर नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में सरकार ने थोड़ी सहूलियत दी है। कुछ सीमित रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, इनकी बुकिंग भी प्रारंभ हो गई। खास बात यह है कि टिकट महज रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ही बुक किए जा रहे हैं। अगर आपका भी यात्रा करने का प्लान है तो कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, इससे आपको सफर के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नंबर एक, टिकट बुकिंग में यात्रियों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी ट्रेनें एसी होंगी। इनका किराया भी थोड़ा ज़्यादा होगा। पहले नॉर्मल टिकट का थोड़ा किराया कम था, लेकिन अब चूंकि एसी ट्रेन चलाई गई हैं, एसी कोच चलाए गए हैं, इसलिए ट्रेन का किराया थोड़ा बढ़ के आपको देना होगा। नंबर दो, ट्रेन में बोर्डिंग के लिए सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बिना आरोग्य सेतु ऐप के आपको ट्रेन में बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। नंबर तीन, एसी कोच का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक होगा, जिससे नेचुरल हवा यानी प्राकृतिक हवा जिससे हम सांस लेते हैं उसका संचार सुचारू रूप से रेल के अंदर ही किया जा सके। नंबर चार, सफर के दौरान यात्रियों को खुद ही कंबल और चादर लाने होंगे। ट्रेन की तरफ से या IRCTC की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा, तकिया, कंबल या चादर आपको नहीं दी जाएगी। नंबर पाँच, संक्रमण के डर से रेलवे की ओर से यात्रियों को खाने की सुविधा भी नहीं दी जाएगी, ना ही ट्रेन के अंदर पेंट्री कार होगी। आपको अपना खाना पानी साथ में खुद ही ले जाना होगा, खुद ही उसका इंतजाम करना होगा। नंबर छः, स्टेशन में यात्रियों को एंट्री लेने के लिए मुंह पर मास्क या कपड़ा बांधना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोर्डिंग टाइम से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा, जिससे उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। नंबर सात, टिकट बुक करने के लिए केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग किया जाएगा, इसके अलावा किसी भी वेबसाइट से टिकट बुक नहीं किया जाएगा। टिकट का पेमेंट ऑनलाइन होगा, आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि में से किसी को भी चुन सकते हैं। स्पेशल ट्रेन में सफर केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही होगा। कोरोना वायरस के लक्षण किसी भी यात्री के अंदर अगर पाए जाते हैं, बुखार, थोड़ा टेम्परेचर या खांसी या जुखाम, अगर इस तरह का कोई लक्षण आपके अंदर पाया जाएगा तो उसे यात्रा करने से रोक दिया जाएगा।